आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के 119वें जन्मदिवस के मौके पर राष्ट्रीय जाट एकता मंच की ओर से राजधानी दून में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, तत्पश्चात उनकी प्रतिमा पर जाट समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय जाट एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जगवीर सिंह ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह किसानों एवं मजदूरों के सच्चे हितैषी थे। साथ ही उन्होंने समाज के लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम किया और उनके सुख दुख में हमेशा वे उनके साथ खड़े रहते थे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 119वां जन्मदिवस है और उस पर जो है हम सब लोग उनको जो है नमन करके जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। चौधरी साहब की हमेशा सोच रही है कि सब समाज को साथ लेकर चलते थे और उन्होंने किसानों के लिए सबसे बड़ी बात तो ये की कि हर आदमी जो है, हर वर्ग का जो है व्यक्ति किसान बन सके, उसके लिए जमींदारा उन्मूलन प्रथा जो है उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश जो है में लागू किया और उसके बावजूद जो है देश के प्रधानमंत्री की सीट तक पहुँचे हैं। आज जो है इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि कोई भी जो है चौधरी साहब के नाम से एक किसी भी सरकारी संस्था का नामकरण यहाँ किया जाए। इसी के साथ धन्यवाद। पूज्य चौधरी चंद स्वर्गीय चौधरी चंद सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। वो हमारे किसानों और कामगारों के मसीहा रहे हैं और उन लोगों उन्होंने हमारा बहुत बड़ा किसानों के हित में बहुत बड़े कार्य किए हैं। किसानों की दुख दर्द में, कामगारों के दुख दर्द में और हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी और उनके हम बहुत बड़े आभारी हैं। आज हम उनके कदमों पर चल रहे हैं और चलने का प्रयास करेंगे। नए आने वाली पीढ़ी को भी ये शपथ दिलाएंगे कि चौधरी साहब के कदमों पर चलने का प्रयास करें और चौधरी साहब ने जो हम हमारे लिए जो किया है हम उनके ऋणी रहेंगे और हम मतलब बहुत बड़े आभारी रहेंगे। अपने समाज के प्रति समाज के प्रति उनकी काफ़ी चिंताएं थीं और समाज को उन्होंने काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गई और किसानों के हित में उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए और किसानों की उनको बहुत चिंताएं रहती थी, दुख दर्द में हर समय शामिल रहते थे और किसानों के दुख को उन्होंने समझा। उत्तराखंड खबर के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट।